ओम शांति। कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है? इस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो भगवान ने गारंटी ली है, मैं आपको देवी देवता बनाऊंगा, मैं स्वर्ग में आपको ले जाऊंगा। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? जो कहा शिव बाबा ने वो इन्होंने प्रैक्टिकल में किया। तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, इसलिए भक्ति में भी गायन कर दिया। राजा बलि का, राजा बलि का गायन करते हैं ना कि यज्ञ रचा और भगवान बावन माने ब्राह्मण का रूप रख करके आए और तीन पैर पृथ्वी में सब कुछ मांग लिया। तो जब शिव बाबा इस धरती पर आए तो बाबा ने क्या कहा? सत्संग के लिए थोड़ा सा स्थान चाहिए, माना छोटा रूप रखे। किसी को ये पता था कि ये संस्था सारे विश्व में फैल जाएगी, तो तीन पैर पृथ्वी चाहिए, तो उन्होंने हाँ कह दिया। तो बात किस समय की है और किसकी है? वही है ये राजा बलि जो दिखाते हैं। बाबा ने तीन पैर पृथ्वी माना थोड़ा सा स्थान मांगा, तो इन्होंने अपना तन भी दे दिया, धन भी दे दिया, संबंध भी दे दिए, सब कुछ नाप दिया। और जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने क्या बोला, क्या बोला कि अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो क्या दे दिया? शरीर भी नाप दिया। तो किस समय की बात है? इस समय की बात है। भगवान इस धरती पर आया हुआ है और जितने हम मददगार बनेंगे हमारा भाग्य उतना ऊंचा बनेगा। कहा कि किसी समस्यावश कारणवश अगर आप सही पवित्रता की धारणा नहीं कर सकते, रोज क्लास नहीं कर सकते, तो क्या पद मिलेगा? प्रजा के भी मतलब प्रजा में भी कम पद मिलेगा, क्योंकि ये पढ़ाई है और दैवी राजधानी की। तो हम जितने जितने मददगार बनेंगे उतना हमारा भक्ति में गायन पूजन होगा। तो इन्होंने क्या किया? जो शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके दिखाया।